फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजाज गुड लाइफ। हर बार की तरह आज भी कुछ नया ही लेकर आई हूँ और वो है सूजी का हलवा। चलो आइए देखते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें यहाँ चाहिए होगी एक कटोरी सूजी। उसी साइज में हमने एक और कटोरी ली है और उसी उतनी ही हमारे को चीनी चाहिए होगी। साथ में हमें उतनी ही हमारे को देसी घी चाहिए होगा और कुछ ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू, आप जो चाहे वो ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैं सबसे पहले देसी घी को अच्छी तरह से गर्म करूँगी। देसी घी बिल्कुल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें सूजी डालूंगी और हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे और अच्छी तरह से हम इसको भूनते रहेंगे। गैस की फ्लेम को हम थोड़ा लो कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए। सूजी का हलवा बहुत ही अच्छी रेसिपी है और अक्सर हम हलवा जो है नवरात्रों में बनाते हैं, तो ये तो हर किसी को आना ही चाहिए। आप मेरे वाले तरीके से बना सकते हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, इसमें कड़छी को घुमाते रहना होगा ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए और नीचे ना लगे। और जब इसमें अच्छी से खुशबू आने लगेगी तभी हमें पता चल जाएगा कि हमारी सूजी जो है घी में अच्छी तरह से भून चुकी है। और तीसरा ये है कि हम इसमें इसे जो है हम लाइट ब्राउन होने देंगे। देखिए ये लाइट ब्राउन होनी शुरू हो गई है। स्वीडिश के लिए ये बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर अचानक से कोई आ जाए तो सूजी तो सबके घर में अवेलेबल होती ही है और देसी घी भी फटाफट से कढ़ाई रखी और बनाना शुरू कर दिया और हमारे गेस्ट को भी बहुत पसंद आएगा। देखिए हमारी सूजी काफ़ी हद तक भून चुकी है, बस अब मैंने इसकी खुशबू आने तक इसकी वेट करना है। हमारी सूजी अच्छी तरह से भून चुकी है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब मैं इसमें 3 गुना पानी लूँगी और इसमें डाल दूँगी। साथ ही साथ मैं कड़छी को अच्छी तरह से चलाती रहूँगी और अब मैं इसमें जो मैंने चीनी ली है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और हम इसे कॉन्टिन्यूटी में हम इसे घुमाते रहेंगे। आप चीनी की अलग से चाशनी भी बना सकते हैं। पानी मैंने जितनी कटोरी मैंने सूजी ली थी उसी कटोरी के 3 साइज में मैंने 3 गुना पानी लिया था, तो आप भी ऐसे ही लीजिए, ये आपका परफेक्ट हलवा बनेगा। अब मैं इसे अच्छे से घुमाती रहूँगी। आप देखिए अभी ये हलवा जो है मेरा वो बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ देगा। उसी से हमें पता चलेगा कि जो हमारा सूजी का हलवा बिल्कुल परफेक्ट बना है। कि हमारे हलवे ने कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दिया है। ये देखो ये बिल्कुल भी कढ़ाई के साथ नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल अच्छी तरह से बन चुका है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट मिला दूंगी और अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से बन गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। डियर फ्रेंड्स, हमारा सूजी का हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपको मेरे बनाए हुए सूजी के हलवे की रेसिपी कैसी लगी ये मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और जैसा कि मैं आपको हर बार कहती हूँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।